नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और यूज़फुल गैजेट लेकर आया हूं, जो कि है किचन टाइमर। ये सिर्फ एक किचन टाइमर ही नहीं है, आप चाहें तो इसे स्टडी करते हुए एज अ स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें चार कलर अवेलेबल हैं, पर मैंने ये वाइट कलर परचेज़ किया है क्योंकि ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और इधर अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो बॉक्स पे किचन टाइमर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ही लिखा हुआ है। और कैलकुलेटर, आप ये मत सोचिएगा कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, नॉर्मली इन्होंने टाइम को लेकर इसे कैलकुलेटर कहा है। और इसके पीछे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस या फीचर या बैटरी वार्निंग जो आप चाहें देख सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे ओपन किया जाए, मैं भी आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी बॉक्स के अंदर। एक तो ये इसका यूज़र मैनुअल है, जिसमें इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। और दूसरी चीज़ हमारा मेन यूनिट, यानी कि जो हमारा टाइमर है वो है। इसकी काफ़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें अननेसेसरी कुछ भी इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें तीन बटन दिए गए हैं और इसमें एम अगर आपको दिख रहा हो तो एम लिखा हुआ है इस पे एक बटन पर, अगर आप पास से देखेंगे। और इधर एस है, एम का मतलब मिनट और एस से आप सेकंड सेट कर सकते हैं। और ये STSP लिखा हुआ है, मींस स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है ये। और एक साइड में इसके बटन दिया गया है जिससे आप इसे रीसेट कर सकते हैं। और पीछे की बात कर ली जाए तो आपको एक मैग्नेटिक स्टैंड मिल जाएगा, और मैग्नेटिक स्टैंड मतलब जिससे आप इसे किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर चिपका सकते हैं। और एक आपको ये इस तरीके से स्टैंड मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से आप इसे टेबल पर भी रखकर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नीचे आपको इसमें बैटरी के लिए कंपार्टमेंट मिल जाएगा, मैं आपको एक बैटरी डालकर दिखाता हूँ। इसमें एक AAA बैटरी लगेगी, सिंपल। और इस तरीके से आप इसे क्लोज कर दीजिए। एक बार मैं आपको इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एक बार जैसे ये मेरे पास मोबाइल होल्डर है, मैं अगर आपको इसको इस पर पेस्ट करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है इसकी, आप देखिएगा। मैं सिंपली क्लॉक की हेल्प से इसे मूव कर पा रहा हूँ, तो जो मैग्नेटिक इसकी स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। चलिए इसे ऑन कर लिया जाए। ऑन करने के लिए आपको इस बटन को ऊपर स्लाइड करना है, यह आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा जो हमारा टाइमर है। और इस तरीके से आप इसमें मिनट सेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये मैक्सिमम 99 मिनट तक जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 98, 99। और एक और बार अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये ज़ीरो पे आ गया। तो मैंने आपको दिखाया है मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 99 मिनट्स की है। और स्टॉप वॉच के लिए आप सिंपली इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आपका स्टॉप वॉच मैंने 99 मिनट का लगाया था, तो वहाँ से शुरू हो चुका है। और अगर आपको इसे क्लियर करना है तो आपको इन दोनों को, जैसे कि इन्हें मैंशन कर रखा है, इन दोनों बटन को साथ में प्रेस करना होगा इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं ये क्लियर हो चुका है। और आप ऐसे 1 मिनट का सेट करके और इसे स्टॉप वॉच को ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ जब टाइम्स अप होता है या टाइम कंप्लीट होता है तो कैसी आवाज़ आती है। तो जो मैंने 1 मिनट का टाइमर लगाया था वो अब कम्प्लीट होने वाला है, आप देखिएगा अभी कैसी आवाज़ आती है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आवाज़ देखने को मिल जाएगी, और आप सिंपली इसे बंद कर सकते हैं। ये सभी फंक्शंस तो हो गए स्टॉप वॉच के। और अगर आपको टाइमर रन करना है या आपको शुरुआत से रन करना है, कोई काउंटडाउन नहीं करना, तो आप सिंपली इसे ज़ीरो पर सेट करके और ये स्टार्ट बटन को दबा दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड से शुरू हो गया है और ये मैक्सिमम 99 मिनट तक जाएगा जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो यही कुछ इसकी खासियत और इसकी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। और बात कर लीजिए इसकी प्राइसिंग की, तो ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पर आपको ईजिली अवेलेबल है, और ये 200 से लेकर 300 के बीच में आपको मिल जाएगा। मैंने इसे 220 रुपीज़ का परचेज़ किया है अमेज़ोन से,
और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, आप मेरे हाथ में इसे ग्रैब करने के स्टाइल से पता लग रहा होगा। तो यही था आज का कुछ अनबॉक्सिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अनबॉक्सिंग में। थैंक यू।